दोस्तों, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि एलन मस्क इंडिया के अंदर एंटर करना चाहते हैं ब्रॉडबैंड सेगमेंट में और बदल के रख देंगे हिंदुस्तान की इंटरनेट चलाने का तौर तरीका। क्या वाकई में ऐसा होगा? मुझको नहीं लगता, क्योंकि सरकार ने लगा दिया है एक बड़ा बैरियर एलन मस्क के सामने हिंदुस्तान में एंटर करने के लिए। जो भी प्लान था वो सारा प्लान रद्द हो चुका है। $99 में अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते थे एलन मस्क का, तो अब ध्यान से सुनिए, नया रिविजन हुआ है। सरकार जब तक टांग नहीं फंसाएगी तब तक कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई कंपनी कदम रखेगी। आइए फटाफट जानते हैं दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट का स्कोप क्या है हिंदुस्तान में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। एलन मस्क ने पिछले साल ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत वो LEO सैटेलाइट्स को, मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेंगे, और कई दर्जन सैटेलाइट उन्होंने भेज भी दी है, और वहाँ से ब्रॉडबैंड चालू करेंगे आपके छत के ऊपर एक एंटीना लगाकर। $99 की फीस आपसे चार्ज करेंगे और हिंदुस्तान में भी सर्विस को एक्टिवेट करेंगे साल 2022 के शुरुआत में। लेकिन वन वेब कंपनी जो कि भारतीय एयरटेल द्वारा बैक्ड है, एक कॉम्पिटेटिव कंपनी है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी से, और इसके साथ ही टेलेसेट टाटा की और अमेजोन की भी एक कंपनी है, जो कि सरकार के पास गए शिकायत करने के लिए। राय को लिखा ब्रॉडबैंड एसोसिएशन ने कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में शुरू करने के लिए। तो सरकार ने बैर्ड कर दिया है SpaceX को, मतलब इनके ऊपर रोक लगा दी है। और फाइनली एलन मस्क की कंपनी की ओर से ये स्टेटमेंट आया है कि जनवरी के लास्ट में 2022, मतलब कि अभी से 2 महीने के बाद, वो लाइसेंस ले लेंगे सरकार से और तब जाके अपनी सर्विसेज को शुरू करेंगे। तो जनवरी 2022, मतलब कि 2022 के शुरुआत से पूरा प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा और फिर आप तब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन इनका बंद हो गया है, तो गलती से भी रजिस्ट्रेशन ना कराइएगा। बहुत फेक वेबसाइट्स भी इसी नाम से रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। $99, मतलब ₹7,400 लिया जा रहा है आपसे। आपको मिलेगा क्या इसके बदले? दोस्तों, अभी तक तो कहा जा रहा है कि आपको इतने में 200 Mbps की अनलिमिटेड स्पीड मिलेगी। आप $99 दे देते हैं, जो कि एक रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा, और हर महीने लगभग 800 से 1,000 रुपये देंगे, तो 200 Mbps की आप लिमिटेड डेटा मिलेगा, जितना चाहे उतना इस्तेमाल करना है। वैसे तो अच्छा ऑफर है, लेकिन एक बार चालू तो हो। 2022 के फर्स्ट हाफ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ये श्योरिटी है। वन वेब कंपनी भी लॉन्च करेगी, टेलीसेट टाटा की और अमेजोन की भी कंपनी लॉन्च करेगी, तो यही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है एक नए टेलीकॉम फील्ड में, जो कि है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। नई जानकारी थी, सोचा आप सबको बताऊं। जय हिंद, जय भारत।